Silver Elaichi co-present Big Boss OTT Season 3, co-powered by Oppo F27 Pro Plus and Sophie Antibacteria. 21 June se raat 9 baje, 24 hours live, sirf Jio Cinema Premium par. Wow. एक कोई सुपर हिट एक्शन मूवी का ट्रेलर लग रहा था सर. सर ऐसे एंट्री ऐसी नहीं करते सर, प्लीज अनफेयर है सर. ये तो बस शुरुआत है मेरे भाई. ओह जोरदार तालियां, क्या प्रोमो है, वाह. और अब हम स्टेज पे बुलाना चाहेंगे इस शो के कर्ता धर्ता को, ठीक है, जो इस शो को इंडिया में लेकर आए, आप लोगों के पास लेकर आए, ठीक है. और सर को मैं बुलाना चाहूंगा, वेलकम, प्लीज तालियों के साथ स्वागत कीजिए दीपक धर जी का, फाउंडर एंड ग्रुप सीईओ वाणिज्य एशिया एंड एनिमल शाइन इंडिया. फैबुलस दीपक. दीपक जी बिल्कुल, जैसे हमने सुना कि ये कितने सालों से रेलेवेंट है, बात ही खत्म हो चुकी है. सर ने भी 20 साल का एक फॉर्मूला बता दिया. अब आप करता धरता है, आप लेकर आए शो को यहाँ पे, बताइए. वेल, बताने को तो बहुत कुछ है, बट पहले तो एके सर का यू नो वेलकम टू द बिग बॉस यू नो फैमिली. सो वी आर वेरी एक्साइटेड टू हैव एके विद अस. इनके साथ हमारा पुराना ताल्लुकात है, ये हमारी दूसरी इनिंग्स है. पहले हमने नाइट मैनेजर किया साथ में, अब हम बिग बॉस करेंगे. पहले स्क्रिप्टेड कर रहे थे, अब अनस्क्रिप्टेड करेंगे कुछ. It is a master class being with AK on the set, so I really thank him for coming into the Big Boss family. So thank you once again, sir. I also thank you know Alok and the Jio Cinema team for giving us the third opportunity to you know come back with another big season of Big Boss OTT. So really looking forward to it. जब 2005 में हम लोग ने ये शो लाया था, कुछ समझ नहीं रहे थे कि कैसे करेंगे, किसके साथ करेंगे, क्या करेंगे, कब करेंगे. अब बहुत साल हो गए, बहुत चीज़ें हो गई, बहुत बहुत सीजन्स हो गए, अलग अलग मार्केट्स में हो गए. ये एक ग्लोबल शो नहीं है, एक ग्लोबल फिनोमिनन है जो करीबन 70 देशों में एक साथ चलता है. Wow. एक साल में हम कम से कम यू नो इसके 70 से 100 सीजन करते हैं साल में. कितने इविक्शंस, कितने कंटेस्टेंट्स, कितने हाउसमेट्स, मतलब ये गिनती अभी हम भूल गए हैं. बट एक चीज़ हम भूले नहीं है कि टू कीप री इन्वेंटिंग एंड कीप यू नो पुशिंग द लिमिट्स फॉरवर्ड. सो इसके लिए ये क्रेडिट मुझे नहीं बट ये पूरी टीम को जाता है कि इस टीम के, इस शो के पीछे कम से कम 500-600 लोग लगे होते हैं. क्रिएटिव होती है, प्रोडक्शन होती है, ऑपरेशन होते हैं, टेक्निकल होते हैं, मार्केटिंग, PR, यू नो ये एक बहुत एक शो, ये शो नहीं है, ये एक जो घर है जो 24/7 चलता है. सो आपने भी देखा हुआ है ये कैसे आगे आगे चलता है, बट पीछे इसमें कितने लोगों का हाथ लगा हुआ है. तो इट्स ये हमारे लिए एक शो नहीं है, ये हमारी माँ है, यू नो, जिसको हम रियली रियली प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि और हमें बहुत सारे सीजन्स करने हैं इसके आलोक और जियो सिनेमा के साथ और एके सर के साथ. ये शुरुआत है, बहुत सारे करेंगे अभी आगे. क्या बात है, कितनी खूबसूरत बात कही है. हम बिग बॉस को जेंडर ही बदल दिया, आज बिग बॉस को माँ ही कह दिया. लेकिन थैंक यू सो मच. अब करने वाले, करवाने वाले, लाने वाले, चलाने वाले सब यहाँ है, तो मैं चाहता हूँ एक परफेक्ट फोटो हो जाए. मीडिया प्लीज इनका एक बढ़िया सा फोटो साथ में टीम का हो जाए. मैं एक मिनट के लिए इजाजत लेता हूँ. हाँ ला लो, गिव इट टू मी, गिव इट टू मी.
सर थैंक यू सो मच दीपक सर, बहुत बहुत शुक्रिया. आपने जो हमें एक जर्नी पर लेकर गए, खूबसूरती से बताया कि कितनी हार्ड वर्किंग और कितनी बड़ी टीम काम करती है एक शो को एक इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए जहां आज ये शो है, और चार चांद लगाने के लिए अब इस शो पे सर भी है. तो मैं अभी अभी मुझे देखो चिराग से ना थोड़ा कुछ मैंने भी सीख लिया है. मुझे भी लग रहा ना कि ये यहाँ पे जितने बैठे हैं ना ये सारे, इनके दिमाग में ऐसे ऐसे सवाल है ना सर कि मुझे दिखाई दे रहे इस वक्त. और मुझे एक सवाल कन्फर्म है सर, कंटेस्टेंट कौन है? ये सबका सवाल है राइट? तो मैं इसका आपको, मैं खुद सर स्वयं इसका जवाब दे देना चाहता हूं ताकि ये सवाल रिपीट ना हो. ठीक है, तो सब रेडी है? अब यहां पे अपनी भी थोड़ी चलती है. ठीक है, तो प्रोमो एक मैं भी चलवा देता हूं. दोस्तों एक प्रोमो देखते हैं.